ओके okay. तो आज हम थोड़ा सा यूएसबी के बारे में बातचीत करेंगे। यूएसबी पोर्ट जब काम नहीं करता तो उसमें क्या क्या करना चाहिए वो बताएंगे आज। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी बताऊंगा। व्यूअर्स भी कम है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। मदरबोर्ड, डेस्कटॉप का मदरबोर्ड और लैपटॉप का, दोनों का ही मदरबोर्ड के बारे में आज बताऊंगा कि इसमें जो यूएसबी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये यूएसबी आप ट्रेस करेंगे इसको तो ये हम बताएंगे, ठीक है। और मदरबोर्ड का तो बहुत सिंपल होता है, ये जो मदरबोर्ड का होता है यूएसबी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे दो होता है, चार होता है, कुछ बहुत सारा मॉडल होता है, आठ होता है यूएसबी। तो यहाँ पे जो कनेक्शन होता है, इसमें जो दो दो कनेक्शन होता है तो उसको हम चेक करेंगे और चेक करने का तरीका बताएंगे। पहला तो ये है नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एक होता है लेफ्ट साइड में, वो होता है आपका नेगेटिव, वो आप उल्टा करके पकड़ेंगे तो उसको पॉजिटिव राइट साइड लगेगा। और मैक्सिमम टाइम राइट साइड का जो है वो पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव ही होंगे राइट साइड में। और बीच में जो दो कनेक्शन होता है उसमें होता है डाटा प्लस डाटा माइनस, तो इसे हम ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये क्यों कर रहा हूँ, अभी एक व्हाट्सएप में बहुत सारा मतलब सवाल पूछ रहा था एक बंदा, उसका वो अभी लाइव से शायद नहीं देख रहा है, तो पता नहीं क्यों अभी लाइव नहीं देख रहा है। उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, वो जब कमेंट्स करेंगे उसके बाद बताऊंगा। नहीं कर रहा है वो, बहुत तो बहुत मेरे को इतना सारा मैसेज किया, उसको समझा भी दिया, तब भी वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सोचा दूसरों को भी प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे यूएसबी का। तो जीसन भाई आप अगर देख रहे हैं तो कमेंट्स कीजिए। हाँ लाइव देख रहे हैं आप, कमेंट तो नहीं किया आपने। अच्छा अब शुरू करते हैं। तो ये मल्टीमीटर में आपको बाजार मोड में रखना है। एक मिनट रुकिए। यहाँ पे सिंपली एक तार लगा के टेस्ट करना आपको सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो यूएसबी है, इसका दो जो जो कनेक्शन है एकदम लास्ट लास्ट में, लेफ्ट साइड में जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और राइट साइड का जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे कंफर्म करें कि कौन सा पिन नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो अभी देखिए मैं तार को जोड़ लेता हूँ यहाँ पे बीच वाला एक वायर के साथ। ठीक है, और यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ कि नेगेटिव को कैसे कंफर्म करेंगे आप। लाइव में दिखाने में प्रॉब्लम होता है, तब भी मैं कोशिश करूंगा।
ठीक है, तो यहाँ पे जो चार पिन है, तो ये एक पिन को आपको नेगेटिव के साथ लगाना होगा, ये मल्टीमीटर का जो पिन है, इसमें अगर हम लगाएं तो ये लास्ट वाला पिन में, इसमें अगर ओम्स आए तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और दूसरे में अगर बीप साउंड आएंगे तो ये नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सिंपली आपको पता चल गया कि नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा है, ये भी कुछ बंदे को पता नहीं होता। तो भाई बहुत सिंपल होता है, लेकिन अगर आप ज्यादा करके देखेंगे तो ज्यादा लगेगा प्रॉब्लम, ठीक है। और अभी बीच में जो वायर के साथ, एक वायर के साथ मैंने कनेक्ट किया बीच में, तो ये देख लीजिए एक बार, बीच में मैंने एक वायर के साथ कनेक्टेड किया, उसके बाद अगला वायर में कनेक्ट करेंगे और ट्रेस करेंगे। तो पहले जो वायर के साथ मैंने कनेक्ट किया, इसका लाइन हम ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये वायर का जो बाकी यहाँ पे जो है दूसरा साइड, इसको हम मल्टीमीटर के एक प्रोब के साथ लगा देंगे। देन यहाँ पे आपको कुछ देख के ट्रेस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये एक कंपोनेंट है, तो इसमें एक पिन में ये बीप साउंड आ रहा है, और यहाँ पे ऑपोजिट में भी आएंगे, तो यहां से ये लाइन यहां तक आ रहा है, ठीक है। तो यहां से आके ये खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड से निकलेंगे, तो यहां से ये आउटपुट होगा। तो यहां पे कौन सी जगह पे ये आउटपुट हो रहा है, ये भी मेरे को टेस्ट करना है, ठीक है। ट्रेस करने के बाद, टेस्ट करने के बाद आपको मालूम होगा कि हाँ, यहीं से ये कनेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे ये अगर बीच में से कनेक्शन निकाल जाएंगे तो आपको मालूम नहीं होगा, मतलब ये ऊपर की तरफ एक लाइन होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो ट्रैक आ रहा है ये तो ट्रैक है एक, और इधर से भी ट्रैक आता है, और बीच में से एक ट्रैक जाता है, ये जो आपका जो बोर्ड है, ये बोर्ड की बीच में से, मतलब तीन लेयर होता है इसमें, तो बीच वाले लेयर में अगर कनेक्शन दे देंगे तो आपको मालूम नहीं होगा। तो ये वायर को मैंने यहां तक ढूंढा, और उसके बाद ऑपोजिट साइड में मेरे को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कर सकते आप, इसका जो स्कीमेटिक है आपको वहीं से देखना होगा कि ये कहां से कहां तक जा रहा है, यूएसबी कंट्रोलर तक जा रहा है कि कोई आईसी तक जा रहा है, उसको आपको ढूंढना होगा। लेकिन ऐसे में बहुत मुश्किल का काम होता है, कि आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो ऐसे में ढूंढ नहीं पाएंगे, और ये कनेक्शन जरूर घूम घूम के इधर आएंगे, ठीक है। तो दूसरे पे हम लगाते हैं, दूसरा जो कनेक्शन है उसमें हम सोल्डरिंग करते हैं, एक को तो ढूंढ नहीं पाए, तो दूसरे को अगर ढूंढ पाएंगे तो ये दूसरे में लगाया, और अभी इसको फिर से देखेंगे, यहीं पे ही है ये वाला लाइन पे,
ऐसे ट्रेस करते रहेंगे तो जिसमें बीप साउंड सुनाई देगा वहां तक उसका कनेक्शन जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल का काम है। और एक छोटा सा तरीका मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा साफ करेंगे। साफ करने के बाद यहाँ से बहुत सारा कंपोनेंट्स मैंने निकाल के दूसरी बोर्ड पे लगाया, इस्तेमाल कर लिया यहाँ से, तो ये बहुत मुश्किल का काम होगा क्योंकि तभी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। और ये होने के बाद मैं लाइव को ख़त्म करूँगा और बाकी बहुत सारा काम है। तो यहाँ पे मिला है कुछ कनेक्शन, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है लाइन। और इसके बाद ये गुम हो रहा है। तो और एक बात, अगर आपके पास स्क्रीमेटिक नहीं होंगे तो आप इसे टेस्ट करने में पागल हो जाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि बिना स्क्रीमेटिक के अंधेरे में मतलब कि दौड़ना जैसा होगा, ठीक है। आप कहाँ जा रहे और कब कहाँ पहुँचेंगे ये भी मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो यही सही है, और इसका स्क्रीमेटिक मैं देखूँगा कि अगर मिल जाता है तो उसको ट्रेस कर सकते आसानी से। लेकिन अभी कैसे करेंगे, यहाँ से तो तार तो निकाल के हम चेक कर सकते हैं लेकिन मिलता नहीं है कनेक्शन। कोई बीच में अगर कंपोनेंट ब्रेक होता है तो तब भी नहीं मिलता।
तो मैं दूसरा बोर्ड लेके देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर बीच में से मतलब मिडिल लेयर से जा रहा है तो कभी ढूंढ नहीं पाएंगे हम इसको, ठीक है। डायरेक्टली ब्रिज में अगर जाएंगे साउथ ब्रिज में तो ये ढूंढने का कोशिश आपका बेकार रहेंगे, ठीक है। आप सिर्फ ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेस करने के बाद अगर कोई बीच में कंपोनेंट नहीं मिलता तो आप उसे कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं दूसरा बोर्ड लेके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दो USB है और ये दो कनेक्शन यहाँ से तक जा रहे हैं। यहाँ पे चैनल भी आप देख सकते हैं, डायरेक्टली चैनल तो मेरे को दिख रहा है। ये USB का जो कनेक्शन है यहाँ पे, ये पीछे ये देखिए जो गुटली गुटली है यहाँ पे, लाइव में शायद दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो मैं एक को ट्रेस करके यहाँ पे बाहर की तरफ दिखा देता हूँ। और ये तार में मैं लगा रहा हूँ। और अब देखिए यहाँ पे ये बीप साउंड सुनाई दे रहा है, ये एक पार्ट्स में मैंने लगाया, पर नेगेटिव में
कोई भी जगह पे ये दूसरी जगह पे ये बीप साउंड नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ वो हम सिखाएगा, सिर्फ ये इसका जो कनेक्शन है वहीं पे आपका बीप साउंड करेगा। तो यहां से यहां तक कर रहा है, तो इसके बाद ये कनेक्शन जा रहा है आपका यहां से, ये कहीं ना कहीं पे गुम हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा, ये जो रैम स्लॉट है थोड़ा सा इसको हिला के ओपन कर देते हैं, और इसके बाद आपको चेक करके दिखाने में बहुत आसान हो जाएंगे। तो ये तार को मैंने ट्रेस कर रहा था, तो यहाँ से ये तार जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो यहीं पे ये खत्म हो रहा है। और मैं इसको ट्रेस करूंगा, लेकिन यार ज्यादा व्यूज नहीं हो रहा है, सब लोग कहाँ पे गए पता नहीं। तो देखिए ये मिल गया, और ये जम्पर के साथ कनेक्टेड है, दिखाई नहीं दे रहा है, देख सकते हैं ये जम्पर के साथ मैंने कनेक्ट करके रखा हूँ, और ये लाइन सिर्फ यहीं पे ही बजेगा, कहीं पे भी नेगेटिव पे दूसरी जगह पे कोई जगह पे भी ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम इसको ट्रेस क्यों कर रहे, तो ये बीच में मतलब यूएसबी के साथ साउथ बीच के साथ जो कनेक्शन है, तो वहां तक अगर बीच में कोई भी कंपोनेंट होंगे तो हम उसको बदल के चेक करेंगे, ठीक है। जीसन भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा, और मैं ब्लॉक कर रहा हूँ आपको भाई, बहुत मैसेज कर रहे हैं आप, अब देखिए जो बता रहा हूँ बोलने दीजिए, नहीं तो मेरा बहुत टाइम खराब जाता है आप लोगों की वजह से, ठीक है। तो चलो ब्लॉक कर दिया, ओके। और ये नंबर सब नंबर भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। और देखिए ट्रेस ये किया मैंने यूएसबी से यहाँ तक, ये लाइन आ रहा है, और इसके बाद और भी आगे जाएंगे, क्योंकि ये लाइन यहाँ से दूसरी तरफ गया है, तो ऑपोजिट साइड से हम चेक करेंगे। तो चेक करने के बाद अगर कोई कंपोनेंट मिलता है तो उसको हम बदल के देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए,
तो यहां तक लाइन आ रहा है, और ठीक ऑपोजिट साइड में यहां पे बीप साउंड करेंगे, और ये बीप साउंड कहां से कहां तक जा रहा है तो ये आपको मालूम पड़ जाएंगे। यहाँ पे अभी बीप साउंड नहीं कर रहा है, तो यहां तक आके मतलब इस साइड तक आके ये खो गया है।
तो इधर से ये गुम हो रहा है, ठीक है। तो और एक तरीका इसके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको इसका डायग्राम निकालना होगा, और जब आपके पास स्कीमेटिक रहेंगे तो आपको वहाँ पे पिन मिलेगा यूएसबी का, यूएसबी 1, ये पिन से कनेक्टेड है और इसी कंपोनेंट से कनेक्टेड है। तो आपको वहाँ से डायरेक्ट जम्पर करना होता है, डाटा प्लस डाटा माइनस को जम्पर करना होता है। और एक बात, ये जो डाटा है यूएसबी का, हर एक डाटा अलग अलग होता है, ठीक है। डाटा प्लस डाटा माइनस हर अलग अलग होता है, लेकिन पावर सब एक ही है। पावर अगर आप एक डालेंगे तो तब भी चलेगा, मैक्सिमम में तो अलग अलग होता है। डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में अलग अलग सप्लाई देते हैं, अच्छा वाला जो मदरबोर्ड होता है, क्योंकि लोड की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है उसमें, तो ये होता है। ओके, और ये जम्पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ तक आ रहा है, ये मैंने दिखाया कि यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ तक आने के बाद गुम हो रहा है। तो हम इसको इससे आगे ट्रेस नहीं कर सकते, जितना भी कोशिश करें इससे आगे हम ट्रेस नहीं कर सकते। अगर करना है तो बहुत कुछ करना होगा यहाँ पे, कि जितना फर्क, जितना सर आपको कॉम्पोनेंट्स है साउथ ब्रिज में, वहाँ पे आप टच करके करके देखना होगा कि कौन सी लाइन पे ये आपका शॉर्ट साउंड आ रहा है। लेकिन शॉर्ट नहीं आता हर वक्त, कभी कभी बीच में लाइन ब्रेक होता है, तब उसकी वजह से ये नहीं होता। तो आपको मेन चीज़ ये है कि आपको लैपटॉप की मदरबोर्ड के हिसाब से स्कीमेटिक डाउनलोड करना है। क्या करना है? स्कीमेटिक डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको ट्रेस करना है, बाद में आपका काम कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलो भाई, क्योंकि मेरे को अभी बहुत सारा काम करना है, और ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया, और इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब कि अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये लाइव में तो क्लियरली नहीं आ रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा है, और सेटिंग में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश करूंगा इसे, इसके बारे में अच्छे से वीडियो बनाने की, तो डालूंगा बहुत ही जल्द, 2-3 दिन के अंदर डालूंगा। सो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, सब सो जाइए।